चौथे पातशाह कोल एक करी ना लो सारे धन गुरु रामदास फिर आखो धन गुरु रामदास गुरु रामदास जी कोल चार सिख आए दर्शन करन उना दे नां लिखे ने जी भाई पदारथ भाई पूरो भाई तारू भाई पारू ये चार सिखां दे नां आए मथा टेकिया गुरु रामदास जी दूरों आए सी प्रसाद रखिया मैनू गल बड़ी वधिया लगी जिहड़ी इन्हां चारां ने कही तुसीं ध्यान नाल सुणो भाई पदारथ भाई पूरो भाई तारू भाई भारू कहिंदे गुरु रामदास जी एक बेनती कर लईए महाराज कहिंदे कर लो कहिंदे महाराज कोई इहो जिहा हल हैगा कि साडे घरां च दुख आवे ही ना आखो सत बड़ी गल सुणन वाली तुहाडे को एहो जी दवाई हैगी है कोई एहो जा हल हैगा कि घरां च दुख आवे ही ना तुसी हैरान होवोगे सतगुरां गुरु रामदास जी ने चारां नूं जवाब की दिता ये सुन के मजबूत होयो गुरु रामदास जी का जवाब कोई कविता नहीं कोई धारणा नहीं श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ दियां पंगतियां वो कहिंदे जी कोई इहो जी हल हैगा साडे घरां च दुख आवे ही ना ते गुरु रामदास जी ने पता की किया देवो दसवंद गुरु नमित सदा आए 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 देवो दसवंद गुरु नमित सदा कमाई का दसवां हिस्सा जिन्ना लाभ होंदा है उहदा दसवां हिस्सा देवो दसवंद गुरु नमित सदा अगली अगली पंक्ति ध्यान ना सुनो दारद सदन ना होवे कदा हुण सदन का की अर्थ है जी थोड़ा जा दिमाग लाओ कित पढ़िया होएगा सदन का अर्थ है घर सदन का अर्थ है घर दारद अर्थ है दुख गुरु रामदास जी कहते देवो दसवंद गुरु नमित सदा दारद सदन ना होवे कदा जेड़ा अपने मुनाफे दा लाभ दा दसवां हिस्सा लोड़वंदा लई धार्मिक कार्यां लई कटदा उहदा सदन उहदा घर कदी दुख आ ही नहीं सकदा किड्डी वड्डी गल कहती तिस गुर को सो पास है जिन हर साची पाई संग बोले तिस गुर शाह आए 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 जिन हाँ हाँ तिस गुर को